हरे कृष्णा। आज हम लेमन राइस बनाएंगे। इसे हम बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं। ये रेसिपी बनाने ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एकदम फटाफट बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मुंह में स्वाद नहीं रहता, ऐसे में ये चटपटा लेमन राइस मुंह में स्वाद भर देगा। तो चलो हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1.5 कप पका हुआ चावल लिया है। यहाँ पर हम कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोना मसूरी, कोलम या बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर बचे हुए चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ी चम्मच शेंगदाना, कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/2 दंडी कड़ी पत्ता, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट या 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लें और उसे चॉप, ग्रेट या पेस्ट करें। 1 हरी मिर्च कटी हुई, हम यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट भी ले सकते हैं। अगर हम हरी मिर्च बिल्कुल ना ले रहे हो तो उसके जगह पे हम 1 सूखा लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राई, उड़द दाल, 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस, स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच तेल गर्म होने दें। ध्यान रखें यहाँ पर धीमी आंच पर ही पकाएंगे ताकि जले ना। अब शेंगदाना डालें, यहाँ पर ज़्यादा फ्राई ना करें। अब 1/2 छोटी चम्मच राई अच्छी तरह से फूटने दीजिएगा। अच्छी तरह से फूट चुका है, अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच उड़द दाल डालेंगे। अगर पसंद है तो यहाँ पर हम 1/2 छोटी चम्मच चना दाल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। अब ज़रा सा फ्राई होने दें। अब इसमें हींग, कड़ी पत्ता, हल्दी, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर थोड़ा फ्राई होने दें और तुरंत ही इसमें पका हुआ चावल डालेंगे। नमक डालकर मिक्स करें। ये सभी चीज़ें पकी हुई है तो ज़्यादा ना पकाएं। नींबू का रस डालें, गैस को ऑफ कर दें और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी लेमन राइस बनकर तैयार हुआ। अब हम इसे श्री कृष्ण जी को भोग लगाएंगे। तो चलो तुलसी लीव्स का पत्ता रखें। हरे कृष्णा।